लेकिन हुसैन का नाम हुसैन नहीं, जॉन का नाम, जॉन नहीं, उस घोड़े का नाम, उस जुलजला का नाम जिस पर हुसैन सवार होते थे। तहरीके करबला को, नहजते करबला को, दास्तान करबला को, रूह करबला को, कुर्बानी करबला को, कि जो आज मातमदारी, अजादारी, जुलूस, मजलिस इसकी शक्ल में मौजूद है, इसको अपने एतबार से रोक ले। मैंने कल सिर्फ जिंदा मिसालें आपके सामने पेश की थी कि जो लोग रोक रहे थे आज वो तो खत्म हो गए, लेकिन वो आजादारी बाकी है। जिन्होंने कोशिश की थी कि नाम हुसैन न लिया जाए, आज तारीख में उनके नाम भी लोगों को याद नहीं है। खुदा की कसम, अगर आज आपसे पूछा जाए कि तारीख में कितने ऐसे जलजले और कितने ऐसे तूफान आए जो चाहते थे अपने गुरूर, तकब्बुर, तमकनत, अपनी ताकत के बल के ऊपर इस हकीकत को बदल दें, बल्कि इस हकीकत को रोक दें और इस पर पर्दा डाल दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस सदी में सद्दाम से बड़े किसी ताकतवर का नाम आपने सुना? लेकिन सद्दाम क्यों, कहाँ है सद्दाम? सद्दाम किधर है? सद्दाम ने 30 साल तक के अरबईन इमाम हुसैन को सरजमीन करबला पर होने नहीं दिया। लेकिन सद्दाम के मरने के फौरन बाद, सद्दाम के वासिले जहन्नम होने के फौरन बाद, इराक की सरजमीन पर जो पहला अरबईन और पहला चेहलुम मना है रूए बशरियत की तारीख में, इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कहीं जमा ही नहीं हुआ है। सलवार हुसैन से टकराना चाहते थे, याद हुसैन से टकरा रहे थे, आज किधर? तारीखी म्यूजियम में सिर्फ देखा जा सकता है, नामों को सुना जा सकता है, लेकिन एक नस्ल, दो नस्लों के बाद क्या किसी को नाम याद रह जाएगा? लेकिन हुसैन का नाम हुसैन नहीं, जॉन का नाम, जॉन नहीं, उस घोड़े का नाम, उस जुलजला का नाम जिस पर हुसैन सवार होते थे, उस परचम का नाम जो हुसैन और हुसैन के भाई के हाथ में था, उस खाक का नाम जिस खाक पर हुसैन ने अपनी जबीन को रख दिया, जिस खाक में अपने खून को पेवस कर दिया, उस खाक को आज दुनिया भुला नहीं सकती।